हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने नहीं आई हूँ, आज मैं ओसवाल वर्कबुक का रिव्यू करने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये है ओसवाल बुक्स क्लास टू साइंस। तो ये वर्कबुक है, जो भी बच्चे ICSE, CBSE, स्टेट बोर्ड या फिर NCERT के हैं तो उसके लिए ये बेस्ट बुक है। तो आप देख सकते हैं कि ये बुक का जो कवर पेज है ये भी बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि ये चैप्टर्स जो है, फर्स्ट चैप्टर है प्लांट्स, इसमें भी बहुत ही ईजिली समझाया गया है। इसमें वर्कशीट भी मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, सब चीज़ इसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो छोटे बच्चों को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इस बुक में इतना अच्छा से समझाया गया कि बच्चे के माइंड में बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। और अगर आप अपने क्लास में टॉप करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, या आप ओलंपियाड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बेस्ट बुक है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो आज ही आप ये बुक खरीदिए। अगर आपको ये बुक खरीदना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप अमेजोन से खरीद सकते हैं या इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप उससे भी खरीद सकते हैं। और अगर आप मेरे द्वारा खरीदते हैं, मेरे लिंक के द्वारा अगर आप इस बुक को खरीदते हैं तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आज के आज आप इस बुक को खरीदिए और आप क्लास में टॉप कीजिए। और यह है सेकंड बुक, ओसवाल वर्कबुक क्लास 3 इंग्लिश। तो ये जो भी CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड या NCERT के बच्चे हैं उसके लिए ये बेस्ट होने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे कि NCERT के जो बच्चे होते हैं वो उस बुक को पढ़ते हैं, उसमें उसे ग्रामर नहीं बताया जाता है, या और भी बहुत सारे बुक्स होते हैं जिसमें कि क्लास 3 में ग्रामर नहीं बताया जाता है। तो उन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ग्रामर भी पढ़ना चाहिए, और ये बुक बहुत ही बेस्ट है क्योंकि इसमें ग्रामर को बहुत ही ईजिली समझाया गया है। जैसा आप देख सकते हैं इसका कवर पेज, और ये अंदर भी इसमें बहुत ही अच्छा से सारा ग्रामर इसे ईजिली, जितना कि क्लास 3 के बच्चे को आना चाहिए, तो उतना इसमें अच्छे से समझाया गया है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ये बुक जरूर खरीदें, क्लास 3 के जो बच्चे हैं इसे ज़रूर खरीदें, इससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। और अगर आप ओलंपियाड का तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट बुक है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आज के आज इस बुक को खरीदिए, और अगर आपको ये बुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आप अमेजोन से खरीद सकते हैं या इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उससे भी खरीद सकते हैं। और अगर आप मेरे द्वारा इस बुक को खरीदते हैं तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आज के आज आप ये इंग्लिश का ग्रामर वर्कबुक ज़रूर खरीदिए। तो ये है तीसरा वर्कबुक, ये है ओसवाल का वर्कबुक क्लास 5 मैथमेटिक्स। तो अगर आप CBSE के, ICSE के, स्टेट बोर्ड, NCERT के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बेस्ट होने वाला है। ऐसे मैंने ये बुक अपनी बेटी के लिए मंगवाया था, वो भी क्लास 5 में है, और मैं उसे इसी बुक से पढ़ाती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है, जैसे आप देख सकते हैं इसका कवर पेज भी बहुत ही अच्छा है, और आप इसमें चैप्टर्स भी देख सकते हैं, बहुत सारा चैप्टर्स है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग नंबर्स हैं, उसके बाद आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कंपेयरिंग नंबर्स एंड राउंडिंग ऑफ, उसके बाद फ्रैक्शंस, बहुत सारे चैप्टर्स हैं आपको, जैसे HCF, LCM, ये सारे भी चैप्टर्स मिल जाएंगे। और इसके साथ ही आपको, चैप्टर्स के साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा बहुत सारा। इसमें आप जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा उसके बाद आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये बुक है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अगर आप अपना बुक पढ़ चुके हैं तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये बुक ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है जो कि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। और अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप अमेजोन से खरीद सकते हैं या इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उससे जाके खरीद सकते हैं। और अगर आप मेरे द्वारा खरीदते हैं इस बुक को तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो आज के आज आप इस बुक को खरीदिए और आप अपने क्लास में टॉप कीजिए। आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये तीनों बुक का रिव्यू कर दिया है, और अगर आपको ये बुक अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं कि मैं इसका भी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इसका, मैम आप इस बुक का भी आप वीडियो बनाइए, तो मैं नेक्स्ट सेशन से इस बुक का, ओसवाल वर्कबुक का भी वीडियो बनाऊंगी, आप सभी को अच्छा लगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से NCERT द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल में बने रहिए ताकि मैं आपको अच्छे से जानकारी दे सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो जल्दी से जाके आप सब ये बुक को खरीदिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने ये बुक खरीद लिया है, और मैं अपना वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ नेक्स्ट सेशन से।